सरकारी अस्पताल की जब तामीर लिखी जाती है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क इलाज मिले, वो भी बेहतरीन, और यहाँ आने वाले मरीज बिना किसी परेशानी के स्वास्थ्य लाभ पाए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका लाभ मरीज जानकारी के अभाव में नहीं उठा पाते। जी हाँ, आज बात करेंगे एशिया के बड़े अस्पतालों में शुमार इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय यानी मेयो अस्पताल की, जहाँ पिछले कई वर्षों से शारीरिक जांच का गोरख धंधा चल रहा है। सरकार मरीजों को फ्री जांच, दवाई और इलाज की सुविधा भले ही दे रही हो, लेकिन बावजूद इसके भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को निजी जांच केंद्र पर जाना पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि मेयो हॉस्पिटल के गेट के सामने ही प्राइवेट लैब खुल गए हैं। सूत्रों की माने तो मेयो अस्पताल में आने वाले सैकड़ों मरीजों को जांच के लिए निजी लैब भेजा जाता है, जिससे यहाँ आने वाले गरीब तबके के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहाँ निजी लैब संचालकों की जेब गर्म हो रही है, तो दूसरी तरफ मरीजों को निजी लैब का रास्ता बताने वाले जमकर मलाई खा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि रोजाना 300 से अधिक सैंपल्स मेयो से बाहरी लैब के कर्मचारी इकट्ठा करके निजी लैब लेकर जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रही ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मेयो अस्पताल में जहां टेस्ट किए जाते हैं, वहां एक फलक लगाया गया है जहां अस्पताल में होने वाली तमाम जांच की मूल्य लिखे हुए हैं। बावजूद इसके यहां की जांच बाहरी लैब में ही की जा रही है। यही नहीं, अंदर की बात कहीं बाहर ना जाए, इसलिए यहाँ कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मनमर्जी से एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है वीडियो निकालना मना है। आखिर ये बोर्ड कर्मचारियों को यहाँ लगाने की जरूरत क्या है? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। सोनोग्राफी सेंटर में मरीजों की कतारें लगी है, लेकिन सोनोग्राफी कब होंगी इसकी कोई समय सीमा नहीं। ओपीडी कैजुअल्टी और वार्ड में बिना किसी खौफ के ये बाहरी लैब के कर्मचारी डॉक्टर एप्रन पहनकर मेयो में दाखिल होते हैं। ये सिलसिला 24 घंटे मेयो में लगातार चलता रहता है। महान्यूज 7 ने पिछले साल वार्ड के अंदर डॉक्टर से साठ बाट करके बैग में दवाई भरकर बेचने का मामला उजागर किया था। खैर, ये तो हुई अस्पताल की बात, अब बात करेंगे अस्पताल के बाहर बनी इन निजी लैबों की। नियम के अनुसार लैब में वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन लैब में ये सुविधा नहीं है। साथ ही टेस्ट के वक्त डॉक्टर का रहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लैब से नदारत रहते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन लैबों में जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें डॉक्टर के हस्ताक्षर पहले से ही प्रिंटेड रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर को इसके अलग से पैसे दिए जाते हैं। अब सवाल ये कि डॉक्टर का हस्ताक्षर रिपोर्ट में छपकर निकलता है तो डॉक्टर को खुद इसके बारे में पता नहीं होता है कि आखिर रिपोर्ट में क्या है। क्या अब ऐसे मरीजों का इलाज राम भरोसे हो रहा है, वो भी शहर के बड़े अस्पताल में? इतनी बड़ी लापरवाही, मेयो अस्पताल में चल रहे इन गोरख धंधों की सच्ची तस्वीरें आपके सामने हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। बहरहाल, इस खबर को हमारा दिखाने का यही मकसद है कि मेयो में चल रही इस कालाबाजारी पर मेयो प्रशासन जल्द से जल्द नकेल कसे और अस्पताल के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे जो मरीजों को बाहरी टेस्ट का रास्ता बताते हैं। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहां आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइंड डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बेनिफिट्स हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।